तो ये देखिए, ये अभी मैं खड़ा हूँ अपने कॉलोनी, मेरी कॉलोनी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे। ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइट्स लगा के किस तरीके से सुसज्जित किया गया है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कॉलोनी पे ही सेलिब्रेट होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कॉलोनी की स्टार्टिंग होती है, ये एंडिंग होती है, और ये पास में और एक कॉलोनी है यहाँ पे भी वही सेलिब्रेशन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ अनिल की मस्ती पे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आके पहुँच सके। तो मैं हूँ अपने कॉलोनी पे बीचों बीच, कॉलोनी के बीचों बीच खड़ा हूँ, और आज एक त्यौहार है जिसे हम सिर्फ ओडिया ही सेलिब्रेट करते हैं। ये बाहर कहीं पे सेलिब्रेट आपको करते हुए कोई नहीं दिखाएगा, अगर करता हुआ होगा तो वो भी एक ओडिया होगा, और ये खास करके भुवनेश्वर में होता है, लेकिन ओडिशा के और किस किस जगह पे होता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। इसमें हम मंगला माँ को पूजा करते हैं। मंगला माता वो ओडिशा में जानी जाती हैं, एक माता हैं जिन्हें हम पूजा करते हैं पूरी के साइड पे काकड़पुर पे। तो उसमें खुदुरुकुणी होता है, तो उसमें पूजा किया जाता है, हम पूजा करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये देखिए, ये अभी मैं खड़ा हूँ अपने कॉलोनी, मेरी कॉलोनी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे। ये देख सकते हैं किस तरीके से लाइट्स लगा के किस तरीके से सुसज्जित किया गया है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने के लिए। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एनवायरनमेंट को हैम्पर करने वाली चीज़ हो रही हो। ये देख सकते हैं, ये पूरा मेरी कॉलोनी है, और लाइट्स पे देख सकते हैं यहाँ पे जो जो पेड़ पौधे मतलब मर चुके हैं ना, उसके जो शाखाएं लाके देख सकते हैं यहाँ पे, पत्ता भी कोई नहीं है, उससे यहाँ पे लगा के हर एक के जो गेट के जो मेन एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे लगा के वो उसको लाइट से सजाया गया है, और ये गोल गोल लाइट्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने के लिए। और त्यौहार हम हमारे ओडिशा में हम बोलते हैं ना, ओडिया में बोलते हैं कि बारह मासरे तेरह पर्व, मीन्स दैट मीन्स बारह महीने में तेरह फेस्टिवल होता है, ऐसे हम मानते हैं, और हमारा है भी। हम फेस्टिवल के मामले में हम ओडिया लोग बहुत ज़्यादा हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो खाना है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। खाना खाने के मामले में हम आगे हैं, त्यौहार मनाने के मामले में हम आगे हैं। ये मेरा घर देख सकते हैं यहाँ पे, और मेरे घर के पास में भी, मेरे घर के सामने एग्जैक्टली सामने बोल सकते हैं आप, ये घर के सामने और ये मेन एंट्रेंस के सामने यहाँ पे, ये देखिए ये भी लगा हुआ है किस तरीके से, और ये मेरा एंट्रेंस है, और यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, और पूरा कॉलोनी आज आप देख सकते हैं भीड़ में है पूरा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कॉलोनी पे ही सेलिब्रेट होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कॉलोनी की स्टार्टिंग होती है, ये एंडिंग होती है, और ये पास में और एक कॉलोनी है यहाँ पे भी वही सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मैं अभी क्या है कि पूरा हर जगह घूम के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी गाँव बहुत बड़ा है मेरा, वैसा नहीं कि छोटा मोटा गाँव है, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए पुलिस वैन भी हमेशा की तरह आके देख रहे हैं, तदारक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ये भी देख सकते हैं और एक कॉलोनी पे ऐसा चल रहा है। तो हम ओडिशा के लोग क्या हैं कि मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने में माहिर हैं, और हमारा बहुत सारा फेस्टिवल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, और हम फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने में माहिर हैं। और हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सबसे बड़ा जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से है कि गणेश पूजा, जो लक्ष्मी पूजा, और दशहरा, होली, दीपावली, ये सब बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। लेकिन ये भी हम उसी के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं कि कोई भी फेस्टिवल बड़ा या छोटा हमारा ऐसा नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे रंगोली बनाया गया है, क्योंकि बारिश जोर से हो रही थी तो थोड़ा बहुत मिट चुका है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से रंगोली बनाया गया है। सो मैं अभी आ गया हूँ घर पे, तो लेट मी कंप्लीट खुदुरुकुणी के बारे में पूजा पूरा मतलब कंप्लीट करना है मुझे, डिटेल्स में, इन डिटेल्स में जाएंगे। तो ये क्या है कि हमारे सदियों पुराना एक प्रथा था, प्रथा मतलब
लोग तो बोलते हैं ये सही बात है, हम तो यही फॉलो करते हैं कि पहले जो व्यापारी होते थे उड़ीसा में, उड़ीसा बेसिकली आप अगर मैप में देखेंगे तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट में है, ऊपर इसका वेस्ट बंगाल है और नीचे आंध्र प्रदेश है, तो उसके बीच में उड़ीसा है। तो ये हम जो है यहाँ पे मच्छी को, मच्छी मतलब फिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो नॉनवेज के हिसाब से ये हमारा पूजा भी होता है, फिश और खाना भी खाते हैं, फिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और हमारा जो पूर्वज थे वो व्यापारी थे, वो समंदर के हिस्से रूट से जाके व्यापार करते थे, उड़ीसा में जो जो भी चीज़ें होती थी उसे जाके बाहर बेचते थे, बाहर का कुछ खरीदते थे। और हमारे उस टाइम पे क्या होता था कि जो पुराने उस टाइम पे उड़ीसा को उत्कल के नाम से जाना जाता था, और वहाँ से उत्कल से जो उड़ीसा से जावा सुमात्रा वहाँ पे जाते थे ज़्यादातर व्यापारी, व्यापार करने के लिए मतलब बिजनेस करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे म्यांमार इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो उसी में एक एक राजा के 7 बेटे थे और एक उनकी लाडली बेटी थी जो कि सबसे छोटी थी। तो 7 बेटे, वो सातों के साथ मैरिड थे, तो वो क्या करते थे कि 3-4 महीने के लिए जाते थे। और जितना मैं इन शॉर्ट हो सके उतना आपको बता रहा हूँ, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सातों भाई जाते थे बहन को छोड़ के भाभियों के पास। उनके बीच में उनका एक नौकरानी थी, वो थोड़ी बदमाश टाइप की थी, तो वो इनको मतलब जो इनके जो सातों बहुएं हैं, वो व्यापारी जो बूढ़े वाले व्यापारी थे वो चल बसे उसके उन, और जो उनके जो उसकी उनकी जो बेटी थी उनकी उसका नाम था तोपुई, तो वो मंगला माँ को ज़्यादातर पूजती थी। तो सातों भाई एक टाइम पे गए थे व्यापार करने के लिए, तो सात जो उनके जो 6 बीवियाँ थी, जो आखिरी वाली भाई मतलब जो तोपुई के ऊपर वाले भाई, वो थोड़ा अच्छा अच्छे थे, मतलब भाई सब अच्छे थे, उनकी जो बीवी थी सातवें नंबर की जो छोटे भाई थे उनकी बीवी थोड़ी अच्छी थी, जो कि ज़्यादातर प्यार करती थी तोपुई को। तो एक टाइम क्या हुआ, जो भाई सब व्यापार करने के लिए गए थे तो ये जो भाभियाँ थी वो पूछती नहीं थी, उन्हें खाना खाने के लिए देती नहीं थी, बहुत काम करवाती थी, घर का सब कुछ काम मारती थी। तो तोपुई क्या करती थी कि मंगला माँ को पूछती रहती थी हमेशा कि कब मेरे भाई आएंगे, मेरा दुख दूर होगा, तो मैं इस टाइप के प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं इसी खुशी में, क्योंकि अभी पूजा हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता है, न्यूज़ वगैरह में भी हर टाइम आता रहता है हर साल। तो मंगला माँ की कृपा से उनके वो सब हुआ, भाई लोग सब आए और पता चला उन्हें कि ऐसा ऐसा होता है। वो अपनी बीवियों को सबको उनके मायके लेके गई गए छोड़ने के लिए। उसके बाद उन्हें भी रियलाइज हुआ कि जो भी कर रहे थे हम मतलब वो ठीक नहीं कर रहे थे। उसी हिसाब से हम ये डे को मनाते हैं खुद रुक्मिणी उषा करके। तो इसमें क्या होता है कि जो कुंवारी लड़कियां, मतलब जो जिनका शादी नहीं हुआ है, वो हो सकती है 5 साल की लड़की, छोटी लड़की भी हो सकती है, 15 साल 25 साल की भी लड़की हो सकती है, जिनकी शादियां ना हुई हो, वो खुद रुक्मिणी पूजा करती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिल सके, अच्छा जीवन साथी मिल सके और माँ मंगला की कृपा रह सके। और मैरिज के बाद भी कुछ कुछ जगह पे लोग कंटिन्यू करते हैं जैसे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि मैरिज के बाद ये करते नहीं है, एक उद्यापन होता है जो कि आखिरी बार पूजा करते हैं, उपवास करके उसे खत्म कर देते हैं। आप पार्टिसिपेट कर पाओगे लेकिन आप पूरा जैसे पहले करते थे मैरिज से पहले उस हिसाब से नहीं कर पा, मतलब नहीं करना है आपको। मिसेस नंदा का भी वही सीन है, वो मैरिज के पहले साल उनका कंप्लीट हो गया, उसे उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, उद्यापन बोलते हैं हम उड़िया में, तो उसे पूजा करके कंप्लीट कर दिया। अभी जाते हैं सिर्फ उनके मायके, मेरी जो साली साहिब है वो कुंवारी है, मतलब वो उनकी शादी नहीं हुए हुई हुई नहीं हुई है, तो उस हिसाब से वो पूजा करते हैं, ये सब जाके सिर्फ पार्टिसिपेट करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, जो उनके जो भोग लगता है वो सब कुछ लेके जाती हैं, माला लेके जाती हैं, उस हिसाब से चल। हो सकता है कुछ कुछ जगह पे मैं शायद कुछ छोड़ दिया हूँ, इन शॉर्ट में जितना हो सका उतना बताया, और मुझे भी काम थोड़ा कंप्लीट करना है वीडियो को,
उम्मीद है आपको अच्छा लगा हुआ होगा उड़िया ट्रेडिशन, उड़िया कल्चर, उड़िया जो रीति नीति है उसके बारे में जान के। अगर लगा है तो बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक जाके पहुंच सके। तो आप बने रहिए अनिल की मस्ती की जो चैनल है उसमें, हमारे जो फैमिली है अनिल की मस्ती उसका एक पार्ट बने रहिए। मैं जितना ज़्यादा हो सके धीरे धीरे करके आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें लेके आऊँगा जो कि आपको पता नहीं होगा पहले से। आप कुछ नया जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा जानेंगे और हमारा कल्चर ट्रेडिशन को और भी पास से समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ माई व्लॉग और वीडियोज। तो बस आज के लिए इतना ही, हर बार की तरह अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार। जय हिंद, जय जगन्नाथ।